नमस्ते बालाजी हिंदी डारो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक ईयरली रीडिंग। ये होगी 2024 में आपका पूरा साल कैसे जाने वाला है, आपकी हेल्थ की रिगार्डिंग, आपकी फिनेंस, चाहे आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, आपका फिनेंशियल स्टेबिलिटी किस तरह की रहेगी, आपका लव लाइफ, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, रिश्ते में हो, तो आपका लव लाइफ कैसे जाने वाला है, और कुछ दो चार बातें मैं स्टूडेंट्स के लिए भी करूँगी, वो छोटे बच्चे नहीं, जो लोग हायर स्टडीज़ करते हैं, जो विदेश जाने के लिए सोच रहे हैं, जो जॉब भी करते हैं उनके लिए, और बाद में लेंगे गाइडेंस। बाद में जो मैं गाइडेंस लूँगी, मैं आपको बता दूँ, ये जो गाइडेंस कार्ड मैंने लिया है ये नया डेक है। मुझे ये बात शेयर करने में बहुत खुशी हो रही है। ये जो डेक आप देख रहे हो एंजल आंसर्स गाइडेंस का, ये मेरे बच्चों ने मेरे बर्थडे पर, 25 दिसंबर को मेरा बर्थडे था, उस दिन मेरे को ये कार्ड गिफ्ट किया है। मैं बहुत खुश हूँ। ये इस कार्ड की जो गाइडेंस है वो इतना अच्छा है कि आपको जो आप सोच रहे हो उसका आंसर ये कार्ड दे देगा आपकी मन तक जाके। तो आपको रीडिंग के अंत तक बने रहना पड़ेगा और एंजल्स क्या कह रहा है आपसे वो गाइडेंस मैं इस कार्ड से दूंगी और आपको उसके अनुसार चलना पड़ेगा पूरे साल। वैसे तो हम महीनों की, हफ्तों की रीडिंग्स लेके आते हैं, लेकिन ये पूरे साल की ओवरऑल रीडिंग है, तो ये बहुत सारी चीज़ों को आपके साथ बहुत प्योर मतलब तरीके से रेजोनेट कर भी सकता है, नहीं भी सकता है, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है, सारे एरीज के एनर्जी है। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो तो आपकी एरीज वालों की ये एनर्जी है, तो सारे लोगों की तो एक जैसे बर्थ प्लेस बर्थ चार्ट नहीं होता है, तो कुछ एनर्जी आपके साथ मैच कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। जितना भी आपके साथ मैच करेगा उसको रखिएगा, जो नहीं करता है सोचिएगा किसी और के लिए है। तो चलिए पहले देख लेते हैं जो लोग एरीज हैं यानी मेष राशि 2024 आप लोगों के लिए ओवरऑल एनर्जी में क्या दिखा रहा है, टैरो आपको क्या बताएगा कि पूरे साल की ओवरऑल एनर्जी आपके कैसे रहने वाले हैं। जो लोग एरीज हैं, एरीज वालों के लिए पूरे साल की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है, एरीज यानी मेष राशि, मेष राशि वालों की पूरे साल की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है, देख लेते हैं मेष राशि की ओवरऑल एनर्जी। मुझे लगता है पूरे साल आप कुछ नया करने के बारे में सोचोगे, नया करने की कोशिश करोगे, खास करके फिनेंशियल स्टेबिलिटी, रिश्ते में भी कुछ नया, कहीं आपको लगेगा कि आपको किसी भी क्षेत्र में जस्टिस मिलना चाहिए, आपको किसी के साथ न्याय करना चाहिए, कभी आपको लगेगा कि मैं जो खुद कर रहा हूँ ये सही कर रहा हूँ। आपकी एनर्जी बैलेंस की रहेगी, आप हर चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करोगे, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज रहोगे। आप चाहोगे नया बिजनेस करना, फिर आपको लगेगा नहीं जो चल रहा है उसे चलने दो। कभी आप सोच सकते हो कि मुझे नए रिश्ते में जाना है, फिर आपको लगेगा नहीं जो चल रहा है उसे चलने दो। कभी आपको लगेगा मुझे फिनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ानी चाहिए तो मुझे काम करना है, नया कुछ करना है, कभी आपको लगेगा नहीं। तो आपकी जो मनोस्थिति रहेगी ओवरऑल, आप हो सकता है महीने के साल की पहले जो 3 महीने हैं उसमें आप नया कुछ करने के बारे में बहुत सोचोगे एरीज, क्योंकि आप लोग एक्शन वाले लोग हो, आप लोग हर काम जल्दी जल्दी निपटाना चाहते हो, हर काम को आप जल्दी से करके दूसरे काम को करने की बात सोचते हो। तो साल के जब नया साल लगेगा तब आपको लगेगा मुझे ये काम जल्दी जल्दी निपटा लेना चाहिए, चाहे वो फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए हो, चाहे जॉब, चाहे बिजनेस, कुछ भी
कहीं रिश्ते में भी अगर आप इन्वॉल्व होते हो तो आपको ये लगेगा कि मुझे जल्दी जल्दी कोई डिसीजन ले लेना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे मिडिल में आपको ये लग सकता है कि नहीं, मुझे बैलेंस तरीके से चलना है, सब कुछ बैलेंस करना है, हर किसी के साथ न्याय करना है, या फिर मुझे अपने साथ भी न्याय करना है, क्योंकि मुझे लगता है मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, ऐसा आपको लगेगा। इस कश्मकश में मंथ ईयर की जो लास्ट के जो चार महीने होंगे, तब आप कंफ्यूजन में चले जाओगे। आपको ये लगेगा कि मुझे ये करना है या नहीं करना है, ये डिसीजन लेना है या नहीं लेना है, ये मेरे लिए सही है या गलत है। इस तरीके से आपका पूरा साल कभी अच्छे, कभी बैलेंस करते हुए और कभी कंफ्यूजन के साथ पूरा साल आप गुजारोगे। अगर मैं कहूँगी कि आप इस पूरे साल में कभी बैलेंस की एनर्जी में, कभी कंफ्यूजन की एनर्जी में, कभी नया कुछ करने के बारे में सोच के जो भी आप करोगे, लेकिन एक चीज़ सही है कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो धीरे धीरे ग्रो करेगा। और आप ऐसा भी हो सकता है कि शुरू के महीने में आप कंफ्यूज रहो, ये उलट भी सकते हैं, शुरू के जो चार महीने उसमें आप कंफ्यूज रहो, फिर आप बैलेंस करने की कोशिश करो और अंत आते आते आप नया कुछ करना शुरू कर दो। ये चीज़ें रिवर्सल भी हो सकते हैं, मतलब उल्टा भी हो सकता है, और शुरू से जैसे मैंने बताया वैसा भी हो सकता है, लेकिन किसी भी तरीके से आप अपने उम्मीद नहीं छोड़ोगे, ये बहुत अच्छी बात है, और आप अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश में लगे रहोगे। कितना भी आप कंफ्यूज हो, कितना भी आप डिसाइड नहीं कर पाओ, लेकिन आप नया कुछ करने के बारे में, हमेशा नए नए चीज़ों के बारे में, प्रोग्रेस करने के बारे में आप सोचोगे। अभी हम देखेंगे, ये आपकी ओवरऑल एनर्जी हो गई। अभी हम देखेंगे कि आपका हेल्थ कैसे रहने वाला है पूरे साल। एक वैसे तो हम हफ्ते की रीडिंग भी लाते हैं, मंथली रीडिंग भी लाते हैं, उसमें हेल्थ आता है, लेकिन मैं इसमें देखूंगी, ईयरली रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका हेल्थ कैसे जाने वाला है पूरे साल। ओवरऑल आपका हेल्थ कैसे जाने वाला है ये बात मुझे अभी आपसे बताना है, आपको बोलना है कि आपका ओवरऑल हेल्थ कैसे जाने वाला है। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि आपके ओवरऑल हेल्थ आपके लिए क्या लेके आ रहा है पूरे 2024 में। एट ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा एस ऑफ कप्स, देख लेते हैं आपका हेल्थ क्या कह रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं एरीज के, उनके लिए आपकी तरफ से 2024 के लिए क्वीन ऑफ वांड्स ये आना ही आना था, क्योंकि आप लोग फायर एलिमेंट हो, आप लोग हमेशा एक्शन लेने के बारे में तो सोचते रहते ही हो, साथ ही साथ आप लोग कभी भी अपनी डिग्निटी को छोड़ते नहीं हो। तो अगर मैं कहूँ आपका हेल्थ के लिए आप कॉन्शस हो, आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखोगे, लेकिन कभी कभी आप अपने वर्कआउट को भी आप स्टॉप करोगे, फिर से शुरू करोगे, फिर से आप सोचोगे नहीं मुझे ये करना है वो करना है। हेल्थ के बारे में आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बात है, आपका मेंटल हेल्थ आपको परेशान कर सकता है, आपका इमोशन ओवरफ्लो हो सकता है, और एक बात, पानी से रिलेटेड कोई बीमारी आपको घेर सकता है, कभी कभी कोई छोटी मोटी बीमारी, जैसे आपने जब पानी पीना है देख के पीना है, यूरिन से रिलेटेड कोई परेशानी आपको हो सकता है, कभी आपका यूरिनरी प्रॉब्लम हो सकता है, ये छोटे मोटे प्रॉब्लम होंगे, और साथ ही साथ आपका इमोशन ओवरफ्लो हो सकता है, जैसा कि आपका मेंटल हेल्थ आपको परेशान कर सकता है। फिजिकल हेल्थ कितना परेशान करेगा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, उतनी परेशानी होगी नहीं, लेकिन आपको अपना हेल्थ का ख्याल पूरे साल रखना पड़ेगा, ताकि कोई भी ऐसी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ना हो, कोई आपकी लिक्विड पानी से रिलेटेड कोई बीमारी ना हो, यूरिन से रिलेटेड कोई परेशानी ना हो, बहुत ज़्यादा पानी पीना है, साथ ही साथ अपना मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना है।
क्योंकि कहीं ना कहीं आपका मेंटल हेल्थ आपको परेशान कर सकता है इस साल। आपका मूड स्विंग कर सकता है, कभी कभी आपको ये लगेगा कि मेरे ये काम नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये परेशानी मेरे ही साथ होना था। या फिर प्यार के मामले में कहीं से आपका प्यार ओवरफ्लो हो सकता है, आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ सकते हो। ये किसी भी वजह हो सकता है कि आपके मेंटल हेल्थ आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, फिजिकल हेल्थ उतना परेशान आपको नहीं करेगा। अभी हम देखेंगे आपकी ओवरऑल फिनांस कैसे रहने वाला है, आपका फिनेंशियल स्टेटस क्या कह रहा है। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि आपके 2024 में फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। एरीज यानी मेष राशि 2024 में आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। बहुत अच्छा, आपने जो सोचा था, जैसा आपने कर रहे थे, आप जो काम जो आप कर रहे थे, जिस तरीके से तरीके का आप काम करते हो या बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, तो आप अपने काम में नया कुछ करने के बारे में सोचोगे, कुछ नए चीज़ आप अपने वर्क लाइफ में एक्सपेरिमेंट करोगे, आपको कुछ नया करने की इच्छा होगी। आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने के लिए हो सकता है आप अपना जॉब स्विच करो या नया बिजनेस डालो। जिस तरीके से आपका फिनेंस चल रहा था उसमें बढ़ोतरी होगी। आप अपनी फिनेंशियल स्टेटस को बढ़ाने के लिए, स्टेबल रखने के लिए नया कुछ करने के बारे में सोचोगे, नया काम, नया जॉब, नया बिजनेस, और उसमें स्लोली बट श्योरली आपके प्रॉस्पेरिटी भी आएगी। फिनेंशियल स्टेटस अगर मैं कहूँ कि जैसे था उससे अच्छा होगा, ग्रो करेगा पूरे साल में। आप अपनी फिनेंस को धीरे धीरे ग्रो करने की कोशिश करोगे और उसमें आपको फिनेंशियल ग्रो होना जो है वो आपको दिखाई देगा। भले ही पहले आपको ये स्लो लगे कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसके परिणाम मुझे नहीं मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे आप देखिएगा जिस तरीके से जो चल रहा था उसमें परिवर्तन आएगा और आपकी फिनेंशियल स्टेटस स्लोली बट श्योरली स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। अभी हम देखेंगे जो लोग मैरिड हैं उनके लिए या रिश्ते में हैं उनके लिए, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मतलब आपके लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हर चीज़ के लिए हम देखेंगे आपकी लव रिलेशन, आपका मैरिड लाइफ। आप अगर किसी के साथ प्यार में हो, ये आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ, तो पूरी लव की जो केमिस्ट्री है, मतलब पूरे लव के जो स्थिति है वो कैसे रहने वाले हैं, चाहे आप शादीशुदा हो चाहे रिश्ते में हो। देख लेते हैं आपकी लव का क्या हाल रहने वाला है, क्या स्थिति होगा पूरे 2024 में। लव के लिए आपका क्या स्थिति रहेगा 2024 में। एरीज यानी मेष राशि के लोगों के लिए लव की स्थिति कैसे रहने वाला है। मेरा माइक मुझे धोखा दे देता है कभी कभी, मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं पूरा रीडिंग करके फिर देखती हूँ, जब चेक करती हूँ उसमें साउंड नहीं आया, इसीलिए चेक कर लिया। देख लेते हैं आपकी लव लाइफ। वाह, क्या कहूँ, सन के कार्ड। आपके ओवरऑल ईयर में जो लोग लव रिलेशन में हो, शादीशुदा हो, रिश्ते में हो, किसी भी तरीके का अगर आपका रिलेशनशिप है, मतलब आप किसी के साथ रिश्ते में हो तो भी, शादीशुदा हो तो भी, शादी के बाहर भी किसी के साथ रिश्ते में हो तो भी, पूरे साल में आपके लिए विक्टोरियस मोमेंट आएगा। हो सकता है जो लोग शादीशुदा है उनके घर नन्हे मेहमान आने की चांसेस है। आप किसी खुशखबरी दे सकते हो अगर आप लेडी हो। अगर आप जेंट्स ये रीडिंग देख रहे हो तो आपको कोई खुशखबरी मिल सकता है, आपको विक्ट्री मिलेगी अपनी लव लाइफ में। आपको
कुछ देर के लिए आपको ये लगेगा कि इतना जो इमोशन मुझे मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है, क्या वो मेरे साथ रहेगा। कभी कभी बहुत कम लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको अपना इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि कार्ड पहले ही आ गया था। ओवरऑल हेल्थ की एनर्जी में मैंने देखा, आपने भी देखा कि एस ऑफ कप्स के कार्ड आए थे, आपका इमोशन ओवरफ्लो हो रहा था, तो आपको अपना इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। हो सकता है किसी किसी के रिश्ते में थोड़ी बहुत परेशानी भी आ सकता है, कुछ लोगों के, बहुत कम लोगों के। परेशानी मतलब नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन, ये वो, कोई ब्रेक ले सकता है रिश्ते से। इसलिए जितना भी इमोशन आपके है उसे कंट्रोल करें, ज़्यादा ओवरफ्लो ना होने दे। ज़्यादा ओवरफ्लो अगर रिश्ता हो रहा है तो उसको कंट्रोल करें। और जो परेशानी आपको थोड़ा बहुत रहेगा ना, वो गॉड की ब्लेसिंग से वो सही हो जाएगा। आपको विक्ट्री मिलेगी लव लाइफ में, खुशी मिलेगी, लेकिन कभी कभी कुछ इमोशनल बैगेज के साथ आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही जो हेल्थ के कार्ड आए थे वो भी मैंने देखा, एस ऑफ कप्स के कार्ड, और जब लव रिलेशन के कार्ड में देख रही हूँ तब भी मैं देख रही हूँ एट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। तो कभी कभी आपको वो जो एक बात होता है ना कि ज़्यादा अति कुछ भी अच्छा नहीं होता है, अति किसी में अच्छा नहीं होता है, ज़्यादा प्यार भी कभी कभी अलगाव के कारण होते हैं। इसीलिए इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करने से पहले ये सोच लीजिएगा कि जो भी चीज़ हमें ज़रूरत से ज़्यादा मिल रहा है, इसका मतलब कल के लिए मेरे पास कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि मैं जितना खा सकती थी, जितना पा सकती थी, उसको मैं आज ही अगर इस्तेमाल कर लूँगी तो कल तो ये रहेगा नहीं मेरे पास। इस बात का ख्याल रखिएगा। इसीलिए अति कुछ अच्छा नहीं होता है, खुद को कंट्रोल करें। आपको प्यार मिलेगा, इमोशन मिलेगी, लव लाइफ में विक्ट्री मिलेगी। इसकी वजह से आप खुद को ये ना समझ लें कि मेरे को तो सब कुछ मिल गया है, ये तो मुझसे कभी जाए मेरे साथ छोड़ेगा नहीं या छोड़ेगी नहीं, ये मेरे बिना रह नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं होता है। नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, इस बात का याद रखिएगा। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। जिस चीज़ को आपको यूनिवर्स दे रहा है उसे सही तरीके का इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो आपको आना चाहिए। अपने इमोशन को कंट्रोल करके इस्तेमाल करें, ज़्यादा ओवरफ्लो ना हो, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें दूसरों से, क्योंकि जितना एक्सपेक्ट आप करोगे उतना ही दुखी आप होगे। अभी हम देखेंगे जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। स्टूडेंट मतलब मैंने पहले कहा कोई छोटे बच्चे नहीं, जो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जॉब भी करते हैं, हायर स्टडीज़ के लिए सोचते हैं, जॉब बिजनेस सारा कुछ करते हुए भी वो विदेश जाके अपने डिग्रीज को बढ़ाना, पढ़ना, पढ़ के जॉब के लिए पढ़ाई करना, जो लोग करते हैं उनके लिए देखेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्स क्या कह रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। टू ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा, आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा इस साल। जो लोग जॉब भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, उन्हें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कहीं दो दो चीज़ करते हुए आपका कोई एक चीज़ ख़राब ना हो जाए, इस बात का ख्याल रखिएगा। हो सकता है आप जॉब में बहुत ज़्यादा बिजी हो, इसकी वजह से आपका पढ़ाई ख़राब हो रहा है। हो सकता है आप दोनों चीज़ करने के मूड में हो, मतलब जॉब भी करनी है, हायर स्टडीज़ भी करनी है, तो जगलिंग के फेज़ में आप लोग रह सकते हो। आप लोग डिसाइड नहीं कर पाओगे क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके चलते कभी कभी आपको किसी एक क्षेत्र में नुकसान होने की चांसेस है, खास करके फिनेंशियल लॉसेस। ऐसा ना हो कि आपने पढ़ाई नहीं किया, कहीं बहुत बड़े जगह में आपने एडमिशन लेने की कोशिश कर लिया, एंट्री फॉर्म भर लिए, ये वो, और सारा वक्त आपने जॉब में बिजनेस में लगा दिया, फिर जाके एग्ज़ाम देने बैठ गए,
जैसा आप सोच रहे हो उस तरीके का परिणाम आपको नहीं मिला तब आप दुखी हो जाओगे। इसीलिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपके लिए खास करके इस वक्त क्या ज़रूरी है, मतलब जब आप ये काम करोगे पढ़ाई या जॉब, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, किसी एक चीज़ को फोकस करके आपको आगे बढ़नी पड़ेगी। अभी हम देखेंगे आपके लिए एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहा है, ओवरऑल गाइडेंस क्या आएगा। देखो कितनी अच्छी डेक है, मुझे देख के कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छे गाइडेंस भी देता है ये, मैंने रीडिंग की भी है इससे, तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए। और ये जो डेक आप देख रहे हो ये मेरे बच्चों ने मुझे गिफ्ट किया है, मैं भी खुश हूँ और मैं इससे आप लोगों को गाइड कर पा रही हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। देख लेते हैं कि ओवरऑल आपके लिए एंजल कौन सा गाइडेंस दे रहा है कि आपको पूरे साल क्या करना चाहिए। देख लेते हैं, प्लीज़ एंजल गाइड करें। एरीज के जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए आपके तरफ से क्या गाइडेंस है। एरीज, देखो कितना अच्छा गाइडेंस आया है, इफ यू बिलीव, इसका मतलब अगर आप बिलीव इट टू सी इट, एक बात है, अगर आपको ये पता है, जो आप बिलीव करोगे, जो आप विश्वास करोगे वही आप कर पाओगे। खुद पर बिलीव रखना, जब आप किसी चीज़ पर अपना भरोसा रखोगे तब आपको वो चीज़ आपके सामने होता हुआ नज़र आएगा। जैसे कि हम लोगों ने, हम में से किसी ने भी गॉड को तो नहीं देखा है, लेकिन फिर भी हम उनकी जो प्रेजेंस ही है उसको महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं कि हाँ भगवान है, और सच में वो है ही, वरना ये पूरी दुनिया उनके अलावा किसी की हिम्मत नहीं चला सके, किसी की ये हिम्मत नहीं कि वो अपना सांस रोके या चलाए। तो आपको खुद पर भी बिलीव करना पड़ेगा, जब तक इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हो तो आपके अंदर ही सब कुछ है, आपको इसके लिए हील करनी पड़ेगी, खुद को मेडिटेशन करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, और जो भी आंसर्स आपको चाहिए यूनिवर्स से, वो सारे आंसर्स आप ही के अंदर है। जितना आप खुद को मेडिटेट करोगे, जितना आप खुद को शांत रखोगे, जितना आप अपने एनर्जी को स्टोर करोगे, उतना ही आप में एक अलग तरीके का पावर आएगा। आप जो बिलीव करोगे वो आप खुद के अंदर देख पाओगे, इतना नहीं कि जितना आप सोच रहे थे उससे ज़्यादा एक हायर पॉसिबिलिटीज़, हायर चांसेस आपको मिलेगा। क्योंकि आपने बिलीव किया है किस पर, खुद पर, आपको खुद पर बिलीव करनी पड़ेगी, और जो आपको चाहिए आप देखिएगा वही चीज़ आपको मिलेगा। जैसे कि मैंने कहा कि बिलीव इट टू सी इट, तो आपको आप पर, अपनी हायर ऑथोरिटीज़ पर और खुद पर बिलीव करनी पड़ेगी। जो आप चाहते हो वो सारा चीज़ आपको मिलेगा, जो आप चाहते हो, आपको ये चीज़ चाहिए, आपको उस पर भरोसा करके चलना पड़ेगा और भगवान पर भरोसा रखनी पड़ेगी, और अपने कर्मों पर जो आप चाहते हो वो आपको ज़रूर मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।